गुलामानी मुस्तफा कमेटी जीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद सरफराज खान ने अपील की कि जब कोरोना वबा के पेश नजर नुमाइश को इस साल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया तो फिर वहां के स्टॉल्स मालिकान को उनकी रकम वापस कर दे क्योंकि वो बहुत परेशान हैं। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामानी मुस्तफा कमेटी का सदर हूं। आज आपके दरमियान में आने का एक अहम मकसद है कि हुकूमत तेलंगाना और एग्जीबिशन सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार है उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीशन लिया है। वही मुतालिबे पे वही कंसर्न में मैं आपसे बात करने का ख्वाहिशमंद था। मैं हुकूमत तेलंगाना से सबसे पहले ये अदबन गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव साहब केसीआर साहब से कि जो नुमाइश एग्जीबिशन है नामपल्ली के पास वहाँ पे जो अभी कुछ देर पहले एक डिसीशन आया कि ये ईयर की यानी कि 2022 की नुमाइश इस साल नहीं लगेंगी ड्यू टू ओमिक्रॉन और कोविड-19। यकीनन सेफ्टी करना चाहिए, कोई वो बात नहीं है, उससे कोई हमाकू यानी कि कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन हमारे को ऑब्जेक्शन इस चीज़ का है कि वहाँ पे कई सारे स्टॉल्स जो लोग लगा चुके हैं स्टॉल्स के ज़रिए करोड़ों रुपया अपना कीमती पैसा जो मेहनत से कमाया गया है वो स्टॉलों के ज़रिए वहाँ पे लगा है। तो मेरी गुजारिश ये है गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से कि आप वहाँ पे एग्जीबिशन सोसाइटी वाले वो जो स्टॉल्स लगाए हैं लोग जो स्टॉल्स के मालिक हैं उन लोगों को पूरा मुकम्मल तौर पर उनका रुपया उनका जो अमाउंट लगे हुआ है वो वहाँ पे पूरा देने का हमारा मुतालिबा है। और दूसरा मसला कि केसीआर साहब आपसे भी मुतालिबा है कि आप एग्जीबिशन सोसाइटी को इंस्ट्रक्शंस दीजिए फौरी तौर पर कि जो भाई लोग जो स्टॉल्स लगाए हैं वहाँ पे स्टॉल्स के ज़रिए लाखों रुपए लगा दिए हैं, कुछ कमाई के ज़रिए के लिए कुछ कमाई की आस में लोग जो है लाखों रुपए लगा दिए हैं वहाँ पे। अब सडन एग्जीबिशन सोसाइटी अनाउंसमेंट करती है कि जो है इस साल की एग्जीबिशन नहीं होगी, तो ये सरासर स्टॉल्स वालों के साथ जो दुकानदार है उन लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये मेरा मुतालिबा है हमारे हरदिल अजीज़ मिनिस्टर हरीश राव साहब से भी जो एग्जीबिशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है हरीश अन्ना से कि आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और जो है इसके ऊपर आप जो है संजीदगी से लोगों को स्टॉल्स वालों को बुलाइए, बुला के अपना अपना पैसा वापस दीजिए या नहीं तो फिर उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है वही देखिए। मेरा यही मुतालिबा है। गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी हर किसी के दरमियान में हमेशा से थी।